विधायक रहा, इसके बाद तीन पंच दो पंचवर्षीय मंत्री था, उसको हराए हैं विश्वामित्र पाठक। टिकट उन्हीं को चाहिए, टिकट उनको चाहिए, टिकट वो पाएंगे तभी यहाँ से भाजपा जाएगी विधानसभा सियावत से, और नहीं दूसरा कोई कैंडिडेट माने चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उनके साथ गलत हुआ, उनको टिकट नहीं दिया गया। जी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। भाजपा पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और लोगों से संपर्क कर लोगों का आशीर्वाद ले रही है। वहीं आज यह जन आशीर्वाद यात्रा सीधी से बाहरी मंडल पहुंची, जहां आम सभा का संबोधन हुआ। जन आशीर्वाद यात्रा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सतना से सांसद गणेश सिंह, सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक, पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक एवं अन्य गद्दावर नेता की उपस्थिति में आम सभा को संबोधन हुआ और सिहावल विधानसभा में कमल खिलाने की बात कही गई। हमारे संवाददाता द्वारा लोगों की राय जानी गई तो आम लोगों का यही कहना है कि अगर सिहावल विधानसभा से बीजेपी को कमल खिलाना है तो पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक को टिकट देना होगा। तो वहीं सिहावल विधानसभा से लगातार कांग्रेस को सीट मिलती रही है। वर्तमान विधायक एवं पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता कमलेश पटेल के पिताजी स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल जी लगातार यहां से विधायक रहे हैं। इसके बाद कमलेश्वर पटेल की सिहावल विधानसभा के विधायक रहे हैं। कहीं ना कहीं आम लोगों का कहना है कि सिहावल विधानसभा में कमलेश्वर पटेल कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी हैं। तो वहीं लोगों की राय जानने पर पता चला कि अगर सिहावल विधानसभा से विश्वामित्र पाठक को टिकट दिया जाता है तो शायद भाजपा का कमल का फूल खिल जाए। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आ रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बाजी मारती है या फिर बदलाव होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ संतोष पाठक। आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली हुई है, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यात्रा निकाली हुई है, आज बहरी मंडल में सीधी जिले के बहरी मंडल में अभी सभा हुई है, उसके बाद यहाँ से सिंगरौली के लिए यात्रा रवाना हुआ। यहाँ पे बहुत सारे अभी यात्रा समाप्त हो गई है। आपको यहाँ पे अभी जस्ट बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे आम लोग, ग्रामीण लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जानना चाहेंगे किसकी क्या राय है। क्या नाम है आप? शिवदयाल पांडे। क्या लगता है आपको, इस बार भारतीय जनता पार्टी सिहावल विधानसभा में कमल खिला पाएगी, क्योंकि लगातार यहाँ से कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस की विधायक कमलेश्वर पटेल जी लगातार आते रहे हैं? कमलेश्वर पटेल जी आ रहे हैं, उसका कारण है नेतृत्व जो भाजपा के प्रत्याशी कर रहे हैं, वो विश्वामित्र पाठक को यदि आपका टिकट मिला भाजपा तो वो निकल जाएगा, और यदि विश्वामित्र पाठक नहीं पाए टिकट तो कोई भी अगला आदमी पाता है वो नहीं निकल पाए। अभी तो सभा में बड़े बड़े जो हमारे यूपी के उप मुख्यमंत्री भी आए थे, ब्रजेश पाठक जी, गणेश सिंह चौहान जी आपके सतना के सांसद हैं चार बार, वो भी आए थे, उनके द्वारा भी बोला गया कि टिकट चाहे किसी भी मिले लेकिन यहाँ पे कमल खिलाना है। तो आपकी इस बात में क्या राय है? हमारी बात में यही राय है, वोट मैं भाजपा का सदस्य हूँ, मैं दूंगा, पर वो चीज नहीं हो पाएगा, वो कमलेश्वर निकाल ही ले जाएगा चोरी से, मक्कारी से, गद्दारी से। कौन ऐसा उम्मीदवार है जिसको टिकट दिया जाए तो सिहावल विधानसभा में कमल खिल सकता? केवल एक, विश्वामित्र पाठक। ये सिर्फ आपका मानना है कि यहाँ के आम पूरे, जनता का पूरे आम जनता पूरी आम जनता। क्या नाम है आपका? जुगल किशोर शुक्ला। क्या चाहते हैं आप इस बार, क्या सिहावल विधानसभा में कमल खिल सकता है? कमल खिल सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी बता रहा है? आपका क्या नाम? पांडे जी, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जन आशीर्वाद यात्रा अभी यात्रा की सभा और उसमें लगातार कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के द्वारा भी बोला गया कि चेहरा चाहे कोई भी हो लेकिन कमल को वोट देना, तो क्या सिहावल विधानसभा में इस बार कमल खिल सकता है, क्योंकि हम लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलेश्वर पटेल जी यहां से चुनाव जीते हैं, इसके पहले उनके पिताजी इंद्रजीत पटेल जी यहां लगातार चुनाव जीते हैं। क्या मानना है आपका, इस बार क्या सिहावल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है? खिला सकती है,
लेकिन थोड़ा दिक्कत आएगी, सरकार तो योजना सब दिया है, लेकिन जो यहाँ पब्लिक नहीं पा रहा, शिकायत करते हैं कर्मचारी आगे कहा नहीं आई है, विधानसभा नहीं हर पंचायत को सचिव। कौन सा गांव है मट्टी में, क्या चाह रहे हैं आप, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी, कौन हो सकता है उम्मीदवार, अगर उनके अलावा दूसरे किसी को टिकट दिया जाए तो फिर दिया जाएगा वही पार्टी में, तो वही पार्टी में दिखाया जाएगा, इसका मतलब अगर कोई भी टिकट पाता है तो भी पाएगा, दूसरा भी देना पड़ेगा। विधायक इंद्रजीत पटेल था वो, यानी 5 पंचवर्षीय विधायक रहा, इसके बाद 2 पंचवर्षीय मंत्री था, उसको हराए हैं विश्वामित्र पाठक। टिकट उन्हीं को चाहिए, टिकट उनको चाहिए, टिकट वो पाएंगे तभी यहाँ से भाजपा जाएगी विधानसभा सियावल से, और नहीं दूसरा कोई कैंडिडेट टिकट पाया। क्या क्या नाम है आपका चाचा? मेरा नाम है शिव दयाल पांडे। आज इस आपका मानना है कि मतलब विश्वामित्र पाठक अगर टिकट पार्टी देती है तभी यहाँ से कमल खिल सकता है, कमल खिल सकता है, नहीं तो अन्यथा कोई नहीं जी। आपका क्या नाम है? मुनिंद कुमार शुक्ला। क्या चाहते हैं, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, जो सब पहले यहाँ लगातार आप देखे होंगे कि सीट जो है तो कांग्रेस जीत रही है, तो अभी वर्तमान में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, भी सभा भी की यहाँ से सिंगरौली के लिए रवाना हुई यात्रा, क्या लगता है क्या खिल पाएगा कमल यहाँ से? कमल अगर वही टिकट सही मिल गया तो खिल जाएगा। किसको टिकट जनता चाहती है? पाठक जी को मिल जाएगा तो एकदम 100%। कौन सा गाँव है आपका? बिठौली है। बिठौली है, आपका क्या नाम है? सुमंत पाठक नाम है। आप क्या चाहते हैं? हम भी विश्वामित्र पाठक। ऐसा तो नहीं है कि आप पाठक और वो पाठक, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए अगली बार ही माने चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उनके साथ गलत हुआ, उनको टिकट नहीं दिया गया जी, टिकट उनको वादा किया गया था, लेकिन यानी आपका मानना है कि पार्टी सिहावल विधानसभा पिछली बार टिकट न देके गलती की? पाठक मतलब नहीं है भाई, उसने काम भी किए हैं। अगर मान लीजिए पार्टी विश्वामित्र को टिकट इस बार नहीं देती, पार्टी नहीं देती तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी जी, लेकिन लेकिन वो माने आनंद नहीं आएगा जो आनंद आना चाहिए बोलने से। आज भारतीय जनता पार्टी का जन आशीर्वाद यात्रा बहरी बाजार में से निकलकर सिंगरौली जिले में जा रही है, और लगातार मध्य प्रदेश में पूरे जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाली हुई है। क्या लगता है सियावल विधानसभा में इस बार क्या भाजपा के विधायक बन पाएंगे? बन पाएंगे, अच्छा कैंडिडेट हो तो किसको कैंडिडेट कौन होना चाहिए क्या आपके नज़र? जो बीजेपी को लाया है सियावल विधानसभा में उसी को आप बता दिए। क्या नाम क्या है उसका? क्या चाहते हैं यहाँ की जनता, क्या चाह रही है इस बार? चाह रही है बिल्कुल, चाह रही है पाठक जी को जो दिए हैं, और फिर उसको आएंगे तो वो देंगे जनता को। तो आपका मानना है कि अगर सियावल विधानसभा से विश्वामित्र पाठक जी आते हैं वही पाएंगे तो भी नहीं होगा जी, दूसरा कोई अगर कैंडिडेट करेंगे तो फिर जी वहाँ कांग्रेस से। कौन सा गांव है आपका? लगझर गांव है। क्या नाम है आपका? बृहस्पत पाठक जी। नाम है आपका? हमारा नाम उदय भान। कौन सा गाँव है आपका? बिलारो। आज बहरी में भारतीय जनता पार्टी का जन आशीर्वाद यात्रा का सभा हुई, इसके बाद यहाँ सिंगरौली के रवाना हुआ, आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी भी यहाँ आए थे, बहुत सारे गद्दावर नेता आए थे। तो सिहावल विधानसभा लगातार कांग्रेस का गढ़ रहा है, वर्तमान में विधायक कमलेश्वर पटेल जी भी हैं, इस बार क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी क्या विधायक यहाँ से बन पाएगा? अब वैसे हम अब अनुभव तो नहीं बता सकते हैं, पर हम बीजेपी में जब से जुड़े हैं जी तो आज तक जुड़े रहे जी, जो कुछ है कांग्रेस में हमारे बाबा जी बाप जिए हम जिए, लेकिन कांग्रेस के जमाने में हम कुछ नहीं पाए, हकीकत में बता रहा जी। नहीं इस बार आप ये बताइए कि बीजेपी दे रही है, आप बोल रहे हैं ठीक है, सिहावल विधानसभा में क्या कमल खिल सकता है? हम तो चाहते हैं कि हमारा जो बीजेपी की विधानसभा बने। कौन टिकट पाएगा तो आज सिहावल विधानसभा नहीं बता सकते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम रमजान। कौन सा गांव है आपका? जिलवार पंचायत। आज भारतीय जनता पार्टी का जन आशीर्वाद यात्रा बहरी में समापन हुआ, उसके बाद यहां से सिंगरौली के रवाना हुआ, सिहावल विधानसभा लगातार यहां से कांग्रेस का विधायक आ रहे हैं,
क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक आ जाएंगे यहाँ? विधायक होबे करी, कांग्रेस सरकार नहीं बनते तो कोनो काम ही नहीं होता, तो होबे नहीं करी। नहीं तो कौन सा प्रत्याशी रहेंगे तो आपको भी यहाँ पे कौन से प्रत्याशी? अब कौन रहेगा प्रत्याशी? आपके आपके दिमाग में क्या है? टिकट पाएंगे जो मतलब है, हमारा विचार ये है आदमी सरकार जो पाएगा विश्व में पाठक टिकट पाएगा चुनाव वही जीतेगा। नहीं तो अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई भी टिकट पाता है तो कोई भी जीतेगा कि खाली विश्व में जीतेगा? हमारे कहने का मतलब है टिकट विश्व में पाठक टिकट पाएगा वही जीतेगा, दूसरा नहीं जीतेगा, मेरा क्लियर गारंटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चूदास। कौन सा गाँव है आपका? बरमधा। बरमधा है जी सर। बरमधा की पूरी जनता की यही आवाज है? पूरी जनता की नहीं आवाज, मैं अपना सुदीन, मैं समर बाबा पंडा जी, मैं अपना गणित बता रहा हूँ। आपकी गणित बता रहे? हाँ जी, सुदीन बताता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं बताता हूँ, मेरा जो भविष्य बाढ़ जाता है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आम जन की आवाज को सुन रहे हैं, और आप सब बने रहे टीवी वन इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद।